Good morning students, how are you? Fine. Okay, today we are going to start chapter 15, that is compound interest. Okay, before starting this chapter we are define some terms that are related to this chapter. Firstly tell me what is interest. Interest dekho kya hota hai. Jab hum kisi se money borrow karte hain, jahan lend karte hain, theek hai, to wo hame extra money kuch pay karni padti hai. Dekho jaise for example हमने किसी से 10,000 रुपीस बोरो किए हैं, ठीक है? 10,000 रुपीस बोरो किए हैं तो वो वापस तो करने पड़ेंगे ही ना, ठीक है? जो हम वापस करेंगे 10,000 रुपीस तो वापस करेंगे ही, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा मनी भी उसको पे करेंगे. जो एक्स्ट्रा मनी उसको पे कर रहे हैं दैट इज इंटरेस्ट. ओके, दैट इज इंटरेस्ट. जैसे 10,000 रुपीस हमने पे करने हैं, ठीक है, उसके साथ एक्स्ट्रा रुपीस मैंने 2,000 उसको और पे करने हैं, ठीक है. जो मैंने एक्स्ट्रा रुपीस 2,000 उसको पे किए हैं दैट इज इंटरेस्ट. और देन हमारे पास इंटरेस्ट की टू टाइप्स होती हैं. वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट. फर्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट, देन वी हैव अ कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, हैव यू डन, यू हैव डन सिंपल इंटरेस्ट इन योर प्रीवियस क्लास ऑल्सो. ओके, सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100. पी मीन्स प्रिंसिपल, आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी मीन्स टाइम. ठीक है, नाउ वी विल डिफाइन दीज टर्म्स पी आर एंड टी, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, अमाउंट. ओके, नाउ प्रिंसिपल, व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज द अमाउंट ऑफ मनी बोरोड और इन्वेस्टेड. ठीक है, जो हम मनी किसी से बोरो करते हैं, जहाँ किसी को उधार देते हैं, ठीक है, दैट इज प्रिंसिपल. जैसे किसी ने 10,000 रुपीज किसी को बोरो, किसी से बोरो किए हैं, आपने 10,000 रुपीज किसी से बोरो किए हैं, वो क्या हो गया? प्रिंसिपल. वो क्या है? प्रिंसिपल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव अ रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट रेट इज द अमाउंट चार्ज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल बाय अ लेंडर टू द बोरोअर फॉर द यूज ऑफ मनी. ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारे पास वो अमाउंट होएगी जो हमारे पास परसेंटेज में एक्सप्रेस होएगी. परसेंटेज किस पे परसेंट, किसका परसेंटेज होएगा? वो प्रिंसिपल पे. ठीक है, प्रिंसिपल का परसेंटेज होएगा. ठीक है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो गया, या 4% हो गया, या 3%, कि 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे मैं तो बोरो करूंगा. ठीक है, ठीक है, या हम 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे लैंड करेंगे, रुपीज लैंड करेंगे. ठीक है, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. देन वी हैव टी. टी मीन्स टाइम. टाइम भी कितने टाइम के लिए बोरो कर रहे हो? 3 ईयर्स के लिए कर रहे हो, 1 ईयर्स के लिए कर रहे हो, या 2 ईयर्स के लिए कर रहे हो? ठीक है, इन ईयर्स, ईयर्स में होता है. ठीक है, देन वी हैव अ अमाउंट. अमाउंट होता है जब हमने किसी से पैसे बोरो किए हैं, जो लास्ट पे हमने उनको पे करना है. ठीक है, लास्ट पे हम वापस तो करेंगे ही ना मनी उसको. जो लास्ट पे हम मनी वापस कर रहे हैं दैट इज अमाउंट. और अमाउंट क्या होती है? अमाउंट इज अ मनी एक्युमुलेटेड आफ्टर एन ईयर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. अमाउंट क्या होएगा? वो मनी होएगा जो जितने टाइम, जैसे आपने 4 ईयर्स के लिए पैसे बोरो किए हैं, ठीक है, 4 ईयर्स के बाद आप पैसे वापस करोगे, जो पैसे वापस करोगे उसमें क्या होएगा? उसमें इंटरेस्ट भी तो वापस करोगे ना, वो एक्स्ट्रा पैसे भी तो लेगा आपसे. आपने उसके पैसे यूज किए हैं, एक्स्ट्रा पैसे भी तो आपसे लेगा ना वो. जैसे 10,000 आपने बोरो किया है, ठीक है, जैसे आपने 10,000 बोरो किया है, 10,000 तो वापस करना ही है, और इंटरेस्ट उसमें कितना लग गया? 4,000. तो टोटल कितना हो गया? 10,000 प्लस 4,000 इज 14,000. ठीक है, 14,000 अमाउंट आपने लास्ट पे वापस करनी है. 14,000 जो लास्ट पे मनी आपने वापस की है दैट इज अमाउंट. ओके, देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट. फर्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट, देन वी हैव कंपाउंड इंटरेस्ट.
ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट होता है जो सिंपल इंटरेस्ट आम पीपल जो हम घर पे किसी को दे देते हैं या फ्रेंड से उधार ले लेते हैं वो क्या यूज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, जब हम विलेजेस या सिटी वगैरह में किसी को पैसे बोरो करते हैं ना, ठीक है, तो उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट यूज करते हैं, उसमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। बट जो हमारी इंश्योरेंस कंपनीज होगी, बैंक्स होगी, पोस्ट ऑफिसेज हो गए, ये एक अदर टाइप से इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और ये कौन सी टाइप यूज करते हैं इंटरेस्ट की कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, CI मींस कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट जो हम नॉर्मल पीपल यूज कर रहे हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट दैट आर यूज बाय इंश्योरेंस कंपनीज, पोस्ट ऑफिसेज और बैंक्स। ठीक है, नाउ इसको हम अभी एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ इफ वी हैव टू गिवन अ प्रिंसिपल इज 1000, पी इज 1000, पी मींस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 1000, आर मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2% एंड टी इक्वल्स टू 3, टी मींस टाइम इज 3 इयर्स एंड यू हैव टू कैलकुलेट हियर सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100। ओके, यही है ना हमारा फॉर्मूला। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पी, वैल्यू ऑफ पी इज 1000, पुट द वैल्यू ऑफ आर इज 2, ठीक है, मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ टी, वैल्यू ऑफ पी इज 3 ओवर 100। नाउ कैंसिल आउट करो, 2 जीरोस के साथ 2 जीरोस कट होगी, व्हाट वी गेट, 10 to the 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 60 रुपीस क्या आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इज 60 रुपीस। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, नाउ हियर वी हैव टू गिवन पी इज 1000, आर इज 2% एंड टी इज 3। इसमें हम देखो क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग के बनता है। ठीक है, फर्स्टली सॉल्व इट, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल क्या है, रुपीज 1000, 1000 रुपीज। ठीक है, एंड आर इज 2% एंड टी इज 3। नाउ वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, उसमें क्या था, तीनों ईयर्स का इकट्ठे ही हमने कैलकुलेट कर दिया इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होएगा, फर्स्ट ईयर का अलग से कैलकुलेट होएगा, सेकंड ईयर का अलग से कैलकुलेट होएगा, थर्ड ईयर का अलग से कैलकुलेट होएगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, ये देखो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इसमें हमने पहले फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। जब हमने फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हमने टाइम भी क्या लेना है, 1 लेना है, क्योंकि 1 ईयर का कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, लगा दो इस पे भी फॉर्मूला, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100। ठीक है, पी इज 1000, आर इज 2, टी इज 3 ओवर 100, कैंसिल आउट, 3 to the 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 60 रुपीज आ गया हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आ गया, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 60 रुपीज। ठीक है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया 60 रुपीज। ठीक है, नाउ अभी हम फाइंड आउट करेंगे अमाउंट, अमाउंट क्या होती है, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर तक हमारी अमाउंट कितनी होगी जो हमने पे करनी है, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर इज पी प्लस आई, ये फॉर्मूला होता है ना, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इज 1000, इंटरेस्ट इज 60, व्हाट वी गेट, 1060। अमाउंट क्या होगी फर्स्ट ईयर के लिए, 1060।
60. जो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट आई है हमारी 1060, वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगी? प्रिंसिपल. नाउ प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, क्योंकि इसमें हम वन वन ईयर का कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अभी प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल क्या बन गया? जो हमारी फर्स्ट ईयर में अमाउंट बनी थी. फर्स्ट ईयर में अमाउंट कितनी बनी है? रुपीज 1060. ओके, नाउ अभी हम फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. ठीक है, नाउ इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है और टाइम क्या है? 1. अभी हमने सेकेंड ईयर का फाइंड आउट कर लिया. नाउ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्या? फिर हम भी वही सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100. पी इज 1060, क्योंकि प्रिंसिपल अब सेकेंड ईयर के लिए क्या बन गया है? 1060 मल्टीप्लाई आर, आर इज 2, टी इज 1 अपॉन 100. ठीक है, कैंसिल आउट इट, 0 इज कैंसिल आउट विद 0, 2 इज कैंसिल आउट विद 5. नाउ 106 को 5 के साथ डिवाइड करो, फिर 5. अभी हम पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या लगा लेंगे? 0 लगा लेंगे. व्हाट वी गेट? 21.20 रुपीज, 21.20. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट. ओके, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट ये आ गया. नाउ अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर फिर क्या बनेगी? अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इज, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल क्या आया है हमारा सेकेंड ईयर का? 1060 प्लस इंटरेस्ट क्या आया है? 21.20. नाउ इसको प्लस कर लो, 1060 21.20 कितना आ गया? रुपीज 1081.20. ये आ गया हमारा इंटरेस्ट अमाउंट. क्या आ गया हमारा अमाउंट? आ गया सेकेंड ईयर का. अभी हमने थर्ड ईयर का कैलकुलेट करना है. थर्ड ईयर का कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल क्या आएगा? जो हमारा अमाउंट बना है सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का अमाउंट बना है 1080.81.20, ये बना है हमारा. ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर. और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 2% एंड टाइम इज 1. टाइम हमने 1 लेना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का अलग से कैलकुलेट किया, सेकंड ईयर का अलग से कैलकुलेट किया, थर्ड ईयर का भी अलग से कैलकुलेट कर दिया. ठीक है, नाउ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई टी ओवर 100 लगा के. P इज दिस वन, R इज 2, T इज 1 अपॉन 100. 0 इज कैंसिल आउट विद 0, 2 कैंसिल आउट विद दिस 5. नाउ इसको भी 1812 इसको कैंसिल आउट कर लो 5 के टेबल पे. पॉइंट लग गया, देन 5 2 10 पॉइंट लगा है तो हम इसके पीछे 0 लगा सकते हैं, 4. कितना आ गया इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज रुपीज 216.24. ये हमारा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ. ठीक है, नाउ अमाउंट अमाउंट फॉर थर्ड ईयर इज 1 रुपीज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट.
1081.20 प्लस 216.24, इन दोनों का प्लस करो। प्लस किया और ठीक है, तो लास्ट पे हम क्या अमाउंट उनको पे करेंगे, 1297, ठीक है, 1297.44। ये थर्ड ईयर में हम, थर्ड ईयर तक हमारी इतनी अमाउंट बन जाएगी, तो लास्ट पे हम ये पे करेंगे। बट ये देखो इसमें क्या हो गया, इन पहले ईयर का इंटरेस्ट निकाला है ना, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकाला था, फिर उसमें हमने अमाउंट निकाली, ठीक है, अमाउंट में क्या किया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट किया, वो आ गया फर्स्ट ईयर का, ठीक है, जो फर्स्ट ईयर का आया वो सेकंड ईयर के लिए क्या बन गया, प्रिंसिपल, जो अभी हमने सेकंड ईयर का कैलकुलेट किया ऐसे सारा, वो हमारे लिए थर्ड ईयर का क्या बन गया, प्रिंसिपल। ऐसे क्या हो गया, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है इसमें, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। बट दिस मेथड इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, इसमें देखो कितना टाइम लग गया हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में। इसका हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, दैट इज हम सीधा बस उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे एंड गेट द आंसर। फॉर्मूला इज कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी ब्रैकेट 1 + R/100 ब्रैकेट रेज टू पावर n, ठीक है, p मींस प्रिंसिपल, 1 + R मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट, n मींस टाइम, ठीक है, ये हमारा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास होता है एनुअली होता है, हाफ ईयरली होता है, क्वार्टरली होता है, ठीक है, उसमें देखो क्या होएगा, जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली फाइंड आउट करना है, ठीक है, फॉर एनुअली कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या करना है, एनुअली में क्या करना है, एन और टी दोनों क्या रहेंगे, एन एंड टी बोथ आर सेम। अगर एन इसमें 3 दिया है तो 3 ही रहेगा, टाइम इसमें 4 दिया है तो 4 ही रहेगा। कंपाउंडेड एनुअली में आपने जो एन और आर दिया है, एन और आर दिया है, वो दोनों सेम रहेंगे। फिर हमारे पास आता है कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली में आपने क्या करना है, हाफ ईयरली में आपने टाइम को क्या करना है, टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 और रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस आर क्या करना है, डिवाइड बाय टू, ठीक है, ये हमारे सारे मेथड उसमें हमारे सम्स में यूज होंगे, तभी ये बता रही हूँ पहले, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर एनुअली एन और आर दोनों, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों सेम ही रहने हैं, और जब हाफ ईयरली करोगे, हाफ ईयरली में आपने टाइम को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। देन हमारे पास आता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली में आपने क्या करना है, टाइम मल्टीप्लाई बाय 4 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर का क्या करना है, डिवाइड बाय 4, ठीक है। क्वार्टरली मींस 4 मंथ्स बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, हाफ ईयरली मींस 6 मंथ्स बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। एनुअली मींस हम 1 साल के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्सरसाइज वेयर यू विल क्लियर दैट सम्स, ओके।